हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, प्रीवियस के जो दो तीन वीडियोस मैंने बनाए वहाँ पर आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया पूरा चैप्टर। चैप्टर नंबर हमारा 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और ये वाला जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे, यानी कि आपके नोट्स में कंप्लीट कराऊंगा इस वाले वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो हमारा अगर नहीं देखा होगा तो जरूर से जरूर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया। बिकॉज आपको जब एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा ना तो क्वेश्चन आंसर याद करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। अगर आपने समझा ही नहीं है चैप्टर को तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर रटना हो जाएगा, तो वो आपके लिए दिक्कत होगा। फिर मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि जो बच्चे थोड़ा मोड़ा भी अगर पढ़े होंगे चैप्टर को तो मैं यहाँ पर खुद से एक्सप्लेन करूँगा हर क्वेश्चन के आंसर्स को, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक है। वहाँ पर कुछ आपको वर्ड दिए गए हैं आपके बुक में, उसको आपको फिल करना है इन ब्लैंक्स में। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन, मैं यहाँ पर आंसर से डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो सीधे सीधे हम लोग आंसर करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या था, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एंड कल्टिवेट ऑन ए लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, यानी कि जब सेम काइंड का प्लांट किसी भी जगह पर लगाया जाता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्रॉप कहते हैं। ये आपको चैप्टर में जब हम लोग स्टार्टिंग वीडियो बनाए थे वहाँ पर मैंने समझाया था क्रॉप के बारे में, और ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा प्लांट एक जगह पर लगाया जाता है तो उसको एक क्रॉप कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स, है ना, ग्रो क्रॉप्स लगाने से सबसे पहला जो काम किया जाता है तो क्या किया जाता है, वो आपको 1.3 जो हमारा टॉपिक था वहाँ पर दिया हुआ था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी जो सॉइल है उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसमें प्लफिंग करते हैं, ठीक है, अच्छे से मिट्टी को उलटना पलटना किया जाता है। तो वो सब मैंने आपको वीडियोज़ में डिटेल में समझाया कि जो सबसे पहला स्टेप होता है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, ठीक है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है सी नंबर का, उसमें दिया हुआ है डैमेज सीड वुड ब्लैंक ऑन टॉप ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन देखो कहाँ से उठाया है, जो हमारा पहली वाला एक एक्टिविटी था ना, जो पहली बोल रही थी कि उसकी मम्मी चना को डाल देती है पानी में, तो चना जो है थोड़ा सा कुछ चने ऊपर पानी में तैरने लगते हैं। फिर आपको भी एक्टिविटी दिया था कि आप गेहूं के साथ ये प्रैक्टिकल करो, तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि जो चना सड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जो खोखला चना रहता है, खोखला जो बीज रहता है, खराब बीज जो रहता है, वो पानी में ऊपर तैरने लगता है। तो वही यहाँ पर दिया है कि जो डैमेज सीड होंगे वो क्या होंगे, फ्लैट फ्लोट होने लगेंगे, ऊपर तैरने लगेंगे। क्लियर है ये वाला भी, आइए डी करते हैं। फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप, क्रॉप को ग्रो करने के लिए सफिशियंट सनलाइट चाहिए एंड ब्लैंक, एंड ब्लैंक दो ब्लैंक था, तो पहले में आप वाटर फिल करोगे कि वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल, ठीक है, यानी कि सॉइल से कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, तो वाटर और न्यूट्रिएंट, ये दोनों चीज़ें चाहिए। तो ये होता हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मैच द फॉलोइंग दिया हुआ सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, खरीफ क्रॉप्स रबी क्रॉप्स, है ना, यानी कि जो खरीफ फसल होते हैं रबी फसल होते हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया था कि जो होता है हमारा जो खरीफ होता है वो कब जगाया जाता है, तो वो हमारे रेनी सीजन में जगाया जाता है, जो रबी होते हैं वो हमारे विंटर के सीजन में जगाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में आगे आपको क्वेश्चन दिया भी गया है कि खरीफ और रबी कब कब जगाए जाते हैं, उनके एग्जाम्पल्स दीजिए। तो खरीफ क्रॉप में कौन कौन से आ जाएंगे, पैडी आ जाएगा, हमारा धान मकई, ये सब खरीफ क्रॉप्स हो जाएंगे। जैसे अभी की जो टाइम आने वाला है ना, अभी जो रेनी सीजन आने वाला है, इसमें खरीफ के क्रॉप्स लगाए जाते हैं, खरीफ वाले फसल लगाए जाते हैं, ठीक है। तो विंटर सीजन में जो क्रॉप्स हैं उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि वीट हो गया, ग्राम्स यानी चना वगैरह हो गया, मटर वगैरह हो गया, ये सब रबी क्रॉप्स कहलाते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखो, केमिकल फर्टिलाइजर दो टाइप के खाद होते हैं, एक होता है हमारा फर्टिलाइजर और एक होता है मैन्यूर, दोनों के बारे में डिटेल में भी हमने पढ़ा भी है चैप्टर में और आगे क्वेश्चन भी दिया हुआ है इन दोनों से रिलेटेड। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, यूरिया हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, है ना, फॉस्फोरस हो गया, बहुत सारे आपके नेम दिए हुए थे बुक में, तो इसमें से दो यहाँ पर दिए गए थे, तो यही इन दोनों का आंसर हो जाएगा, यानी केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया और सुपर फॉस्फेट हो जाएंगे, और ऑर्गेनिक मैन्यूर में क्या होता है, जो नेचुरल खाद होता है, ठीक है, जो नेचुरल मैन्यूर होता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक मैन्यूर कहते हैं, जो जो कि एनिमल के, है ना, गोबर वगैरह से बनता है, या फिर अगर आप क्या बोलते हैं, पत्तों के छिलके वगैरह को सड़ा गला करके जो खाद बनाया जाता है उसको ही ऑर्गेनिक मैन्यूर कहते हैं। तो एनिमल एक्सक्रेटरा, काऊ डंग यानी कि वही गाय का गोबर, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट वगैरह से ऑर्गेनिक मैन्यूर बनता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन टू भी कंप्लीट, सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी जो थ्री है उसे कंप्लीट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर वही क्वेश्चन मैंने बोला ना कि खरीफ और रबी का एग्जाम्पल के लिए आता है और एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है खरीफ और रबी, मैंने डिटेल में आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, जरूर देख लेना वीडियोस को, ठीक है। तो खरीफ के क्रॉप वही वाले मैंने लिख दिया मैंने, पैडी और मेज, रबी में आपको वीट और ग्राम लिख देना है, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं, समझ के करना, आप अपने आसपास देखना कि जो विंटर सीजन होता है उसमें कौन कौन से क्रॉप लगाए जाते हैं उसका भी आप नाम लिख सकते हो, है ना। जो रेनी सीजन होता है यानी कि खरीफ वाले क्रॉप के टाइम, उसमें कौन कौन से फसल लगाए जाते हैं आप उसका भी नाम लिख सकते हो अपने मन से, जो मैंने लिखा, जरूरी नहीं कि आप भी वही लिखो। क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है। जितने भी आंसर्स हैं ना सभी का आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए, ठीक है। देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है वहाँ पर हमें कुछ पैराग्राफ लिखने हैं, हमें टॉपिक दिया हुआ है, पहला जो टॉपिक है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, यानी कि जो पहला स्टेप होता है हमें क्रॉप को अगर लगाना है, है ना, हमें अगर किसानी करनी है तो सबसे पहला काम होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो उसके बारे में, फिर सोइंग के बारे में, वीडिंग के बारे में और थ्रेसिंग के बारे में, ये चार टॉपिक के ऊपर हमको पैराग्राफ लिखने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसमें मैंने सिंपल मेथड में जितना छोटा हो सकता था उतना मैंने लिख दिया है, आप इतना पूरा याद कर लेना, सिंपल लैंग्वेज में है।
यहाँ देखो इसमें क्या होता है, सॉइल को प्रिपरेशन में इन दिस द फर्स्ट मेथड टू बी फॉलो बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, यानी कि ये जो हमारा सबसे पहला मेथड है, ठीक है, ये जो है सबसे पहला काम किया जाता है। दिस मेथड इज यूजली इम्प्लॉयड फॉर लूजिंग द सॉइल टू अलाउ द रूट टू पेनेट्रेट डीप इन टू इट, यानी कि ये क्या करता है, इसमें हम लोग सॉइल को मिट्टी को उलट पलट करते हैं, इससे वो लूज हो जाता है, मुलायम होता है ना, और उसमें क्या होते हैं होल्स हो जाते हैं, उससे क्या होता है कि जो रूट है हमारा वो अच्छे से उसमें पेनेट्रेट हो जाएगा, डीप एकदम अंदर तक चला जाएगा। द लूजनिंग ऑफ द सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ सेवरल सॉइल माइक्रोब अर्थवॉर्म एक्सेट्रा, यानी कि जब हम लोग उसको मिट्टी को पोला कर देते हैं, पोला मतलब लूज कर देते हैं है ना, कुदारी वगैरह से, और जो भी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ था बुक में वो सब मेथड्स, जब हम लोग मिट्टी को लूज करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं, जैसे कि हमारा राइजोबियम वगैरह जो नाइट्रोजन को लेता है एटमोसफेयर से और फिर पौधों के जड़ों में रूट्स में पहुँचाता है, तो वो सब माइक्रोब्स वगैरह हो गए या अर्थवॉर्म जो होते हैं ना वो उसमें अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये फर्स्ट हुआ ना। अब इसका सेकंड देखो कि सेकंड में जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या दिया हुआ था, तो सोइंग दिया हुआ है। तो सोइंग किसे कहते हैं, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द सीड इन और ऑन द सॉइल फॉर फ्यूचर ग्रोथ, यानी कि इसमें क्या जाता है, सोइंग का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो क्या होता है कि जो बीज होता है ना उसको जमीन में बोना ही सोइंग कहलाता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए जब हम लोग सीड को सॉइल में डालते हैं, प्लेस करते हैं, बोते हैं, उसे ही सोइंग कहा जाता है। अब इसके आगे बता रहे हैं, द सीड दैट आर सिलेक्टेड फॉर ग्रोइंग शुड बी गुड क्वालिटी, यानी सीड जो हो गुड क्वालिटी हो। पता कैसे चलेगा, तो वही पानी वाला जो मैंने आपको तरीका बताया ना कि पानी में तैरने लगता है खराब सीड, उस तरीके से आप लोग इसका गुड क्वालिटी भी पता कर सकते हो सीड का। दिस विल इम्प्रूव द नेट यील्ड ऑफ द क्रॉप, सोइंग इज यूजली डन विद द हेल्प ऑफ आइदर ए ट्रेडिशनल टूल और ए सीड ड्रिल, यानी कि ट्रेडिशनल टूल से भी आप कर सकते हो, जो हमारा कूप टाइप से एक होता था है ना, चाड़ी जिसको हम बोलते हैं, इसे तेल वगैरह नापा जाता है ना, उस टाइप से भी एक हमारे बुक में दिया हुआ था स्टार्टिंग में पिक्चर, उसमें आप देखना स्विंग वाले टॉपिक में, तो उस वाले टूल से भी आप कर सकते हो स्विंग। उसके अलावा वो ट्रेडिशनल, लेकिन उसमें बहुत टाइम भी लगता है, और उसके अलावा उसमें बहुत सारे सीड वेड्स भी हो जाते हैं, तो एक सीड ड्रिल आता है मशीन जो ट्रैक्टर में फिट होकर इसमें हम लोग करते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है, तो सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है इसमें। आप ये वाला अगर पॉइंट हटाना भी चाहो, मान लो याद नहीं होता रहेगा ना, तो ये वाला यहाँ से हटा सकते हो, दिस विल इम्प्रूव द, ये वाला जो है ना क्रॉप, यानी क्रॉप की पैदावार को ये बढ़ाता है, इसको आप हटा भी सकते हो, ठीक है, इतना से लेकर के इतना को, बाकी को लिख लेना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला टॉपिक। सी में क्या दिया हुआ था, तो वीडिंग दिया हुआ था। वीडिंग किसको बोलते हैं भाई, जो घास वगैरह फील्ड में उग जाते हैं, बेकार के घास वगैरह, उनको ही वीड कहा जाता है, और उनको हटाना वीडिंग कहलाता है। तो देखो यहाँ पर कि अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप आर नोन एज वीड्स, यानी कि जो ऐसे प्लांट जिनका हमको यूज़ नहीं रहता, जिनको हम चाहते ही नहीं होना, वो जब उग जाते हैं प्लांट हमारे क्रॉप के साथ, तो उसको वीड कहा जाता है। वीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस वीड्स, और वीडिंग क्या है, वो उन्हीं प्लांट्स को जो हमको जिनकी जरूरत नहीं, घास फूस जो हैं उनको हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वीडिंग कहलाती है। वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट लाइट एंड स्पेस, यानी कि जो वीड होते हैं वो लाइट और स्पेस के लिए कम्पीट करते हैं प्लांट से, प्लांट को भी चाहिए लाइट स्पेस और न्यूट्रिएंट, और फिर जो घास फूस रहेगा उसको भी चाहिए, तो दोनों में कम्पीट होने लगेंगे, तो उससे क्या होता है कि एज अ रिजल्ट क्रॉप प्लांट गेट लेसर न्यूट्रिएंट, यानी इसी वजह से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट भी कम मिलता है, लाइट भी कम मिलता है, और स्पेस भी कम मिलता है उनके डेवलप के लिए। तो इस तरीके से आपको वीडिंग के बारे में यहाँ पर लिखना है कि वीडिंग क्या है, उसके नुकसान वगैरह भी बता देने थोड़े से। तो ये हो गया हमारा सी वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो डी में चलते हैं, जो लास्ट टॉपिक हमारा वो थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, तो जब प्लांट की कटाई वगैरह हो जाती है, जब है ना जो हमने क्रॉप उगाया, अनाज जो हमने उगाया, जब उसकी फसल की कटाई हो जाती है, तो उसमें जो घास फूस रहता है ना, भूसा भी रहेगा और अनाज भी रहेगा, दोनों चीज़ रहता है, तो भूसा और अनाज को अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। इसने इसके बारे में आपने क्लास 6 में ही बहुत डिटेल में पढ़ा है, सिंपल मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन और सीड फ्रॉम चैफ, यानी कि वही भूसा वगैरह से सीड को अलग करना ही, सेपरेटिंग करना ही क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। इट इज़ डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, हार्वेस्ट करने के बाद यानी कटाई करने के बाद किया जाता है ये काम। इट इज़ यूजुअली कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन नोन एज कंबाइन, और ये जो है अमूमन कौन से मशीन से किया जाता है, तो कंबाइन नाम का एक मशीन है जिसका फोटो भी आपने में दिया होगा, येलो कलर का फोटो आपके बुक में, जब हमने चैप्टर रीड किया था तब आपको डिटेल में समझाया था, तो उसी मशीन से इसका होता है, इसमें इस कंबाइन जो मशीन है ना, इसमें थ्रेसिंग भी हो जाता है और हार्वेस्टिंग भी हो जाता है, इसलिए इसका नाम भी है कंबाइन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आइए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है उसे भी कर लेते हैं। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि फर्टिलाइजर और मैन्यूर के बीच में डिफरेंस हमसे पूछा जाएगा, ये मैंने आपको चैप्टर में बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में भी आता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, जो हमारा बुक का जो टेबल 1.1 है ना, उसी को आपको बस उठा करके मैंने लिख दिया है, और यही सबसे सिंपल इसका आंसर भी है, इसके अलावा आपको दूसरे आंसर सिंपल मिलेंगे नहीं, तो आपको यहीं से इसको याद कर लेना है। टेबल जो 1.1 है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर, वही आपको लिखना है, ठीक है। एक बार चलो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, चैप्टर में इसे मैंने समझा ही दिया है ना, फिर भी थोड़ा सा आपको मैं स्टार्टिंग में समझा देता हूँ। देखो फर्टिलाइजर क्या होता है, मैन मेड होता है
ना, ये इनऑर्गेनिक होता है, यानी कि इसको इंसान बनाते हैं, ये केमिकल के रहता है, ठीक है। और ये जो होता है फैक्ट्रीज वगैरह में बनाए जाते हैं, जबकि जो मैन्यूर होता है वो नेचुरल रहता है, जो कि घास घास बोल रहा हूँ, सड़े गले चीज़ों से हो गया या फिर काउ डंग से हो गया, है ना, इन सब चीज़ों से। और प्लांट वगैरह जो होते हैं, जो सड़ जाते हैं प्लांट, या फिर छिलके वगैरह, जैसे आपके घर में आम का छिलका आपने फेंका है ना, क्या सब्जियाँ सड़ गई, तो उन सबको मिला करके क्या किया जाता है, मैन्यूर बनाया जाता है। और ये फील्ड वगैरह में ही बन सकता है। इस तरीके से इसके 3-4 पॉइंट दिए गए हैं, ये आप जरूर से आपके बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको लिख लेना, नोट्स बना लेना और याद कर लेना। और डिटेल में अगर आपको समझना है तो मैंने चैप्टर में समझाया है, यहाँ पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फालतू में, है ना, क्योंकि मैंने एक बार इसको एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है। तो भाई अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसे समझते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग भी है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि वॉट इज इरीगेशन, इरीगेशन क्या होता है, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर, और 2 मेथड बताइए जिसमें इरीगेशन से वाटर कंजर्व की भी किया जा सके। तो सिंपल लैंग्वेज में इरीगेशन क्या बोलते हैं, पौधों को पानी देना ही इरीगेशन कहलाएगा सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर मैंने सिंपल में इंग्लिश में भी लिखने की कोशिश किया है कि इरीगेशन इज द प्रोसेस बाई विच वाटर इज सप्लाइड टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल, यानी कि जो हम लोग क्रॉप को अलग अलग टाइम पर पानी पहुँचाते हैं तो उसे ही इरीगेशन कहते हैं। अब इरीगेशन के आपके बुक में 2 मेथड दिए थे, एक तो था हमारा जो कल्चरल मेथड था, है ना, यानी कि जो हम लोग पुराने ज़माने से यूज़ करते हुए आ रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड जिसको हम कहते हैं, जैसे बाल्टी से पानी डालने वाला, कुआं वगैरह वाला, जो फोटो बहुत सारा आपका दिया हुआ था ना बुक में, तो वो होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो 2 ऐसे मेथड हमको बताने हैं जिसमें हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकें, यानी कि बचा सकें। तो यहाँ पर 2 मेथड होता है जो आपके बुक में, ये भी 2 मेथड दिए हुए थे, इसका फोटो भी दिया हुआ था, स्प्रिंकल मेथड, है ना, स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि इसमें क्या होता है कि फुहारा टाइप से पानी पड़ता है, जैसे पानी बरसता है ना उस टाइप से। तो इसको देखो इस तरीके से लिखना है आपको, 2 मेथड ऑफ इरीगेशन विच हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर आर, पहला जो मेथड है स्प्रिंकलर सिस्टम है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड, यानी कि जहाँ पर उबड़ खाबड़ जमीन रहता है ना, जहाँ पर आप पानी डालोगे, अगर ज़्यादा पानी एक बाल्टी आपने डाल दिया तो पानी क्या होगा, पूरा का पूरा जमीन नीचे बह जाता है, जहाँ पर प्लांट है वहाँ पर पहुँचता ही नहीं है। तो जब इस तरीके से उबड़ खाबड़ जमीन रहता है तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, स्प्रिंकलर वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि वैन वाटर इज अलाउड टू फ्लो अंडर हाई प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पम्प, इट गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप। इसमें मैंने शॉर्ट में दम करने की कोशिश किया है कि जब हम लोग पानी भेजते हैं पम्प से तो वहाँ पर क्या होता है, फव्वारा की तरह से वहाँ पर वो स्प्रिंकल होता है पूरे क्रॉप में, तो जितने भी क्रॉप हैं सभी में पहुंच जाएगा पानी, और दूर दूर पहुंचेगा तो उससे वो पानी बहेगा भी नहीं, ये वेस्ट नहीं होता है। एक तो ये है स्प्रिंकल सिस्टम, ठीक है। इसका फोटो अगर आप देखोगे और एक्सप्लेनेशन अगर हमारे बुक में देखोगे आप ना, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा इसके बारे में। उसके बाद दूसरा जो होता है ड्रिप सिस्टम होता है, इसमें पानी जो होता है जड़ों में एकदम बूंद बूंद करके जाता है, तो उससे भी पानी क्या होते हैं बहुत ज़्यादा बचता है। तो इन दिस सिस्टम वाटर इज डिलीवर एट और नियर द रूट्स ऑफ प्लांट, यानी कि एकदम रूट के पास ही पानी को पहुँचाया जाता है ड्रॉप बाई ड्रॉप, है ना, एकदम थोड़ा थोड़ा कर करके। दिस इज द मोस्ट एफिशियंट मेथड ऑफ इरीगेशन एज देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल, बिकॉज यहाँ पर हमारा एकदम पानी वेस्ट ही नहीं होता है, एकदम बूंद बूंद करके वहां पर जड़ में पहुंचता है, तो धीरे धीरे वो वाटर जो होता है वो जड़ अपना एब्जॉर्व कर लेता है, समझ आ रहा है बात ना। तो इससे वेस्ट एकदम ही पानी नहीं होता, बहुत कम पानी भी लगता है इसमें। तो ये जो है बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। तो 2 हमारे ऐसे तरीके हैं, 2 ऐसे मेथड है जिससे हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको भी आप अच्छे से लिख लेना, समझ के याद करना, ठीक है। चलिए जो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, तो इसको भी अब हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन, ठीक है, वीट कौन है, रबी वाला है, विंटर के टाइम वाला है, खरीफ में क्या होता है, पैडी वगैरह होता है, धान होता है, वीट बोलते हैं गेहूं को, तो ये रबी का फसल है ना कि खरीफ का। तो अगर हम लोग वीट को खरीफ के सीजन में लगाएंगे तो व्हाट वुड हैपन, डिस्कस, तो क्या हो जाएगा, डिस्कस कीजिए। तो एकदम मैंने सिंपल एंड शॉर्ट एंड फाइन कर दिया इसका आंसर, आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखो क्या होता है कि इफ वीट इज सोन, यानी कि वीट को अगर बोया जाएगा इन द खरीफ सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, खरीफ के सीजन में जून से अक्टूबर के बीच में अगर बोया जाएगा जब पानी आते रहता है तब, तो देन द होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉयड, तो पूरा का पूरा जो क्रॉप रहेगा, फसल रहेगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज खरीफ सीजन इंक्लूड द रेनी सीजन विच इज नॉट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट क्रॉप, यानी जो खरीफ सीजन होता है वो रेनी सीजन होता है जो कि वीट के क्रॉप के लिए सही नहीं है। वीट को थोड़ा सा गर्म हल्का सा मॉइस्चर में उसको कमी चाहिए, ठीक है ना, ठंड का मौसम चाहिए उसको जहाँ पर पानी कम मिलता हो, और यहाँ पर इसको एकदम गर्म टाइप से पानी बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो हमारा खरीफ का मौसम होता है वो पानी आता है उसमें बहुत ज़्यादा, तो उससे ना धान वगैरह बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर गेहूं में आप लगा दोगे तो गेहूं पूरा सड़ कर गल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका शॉर्ट में आंसर लिख सकते हो और याद भी कर सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, तो 8 में क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाई द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड, यानी कि अगर एक फील्ड में हम लोग कंटिन्यू प्लांट लगाते हैं, कंटिन्यू अगर हम वहाँ पर खेती किसानी करते हैं तो उससे भी सॉइल को इफेक्ट पड़ता है। चैप्टर में इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो वो कैसे पड़ता है, देखो बार बार अब एक ही फसल लगाओगे तो जो जमीन में न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, फसल जो भी रहेगा जो भी क्रॉप रहेगा वो तो यूज़ करते जाएगा, तो न्यूट्रिएंट कम हो जाता है, और एक टाइम आता है कि जमीन एकदम
क्या बोल सकते हो आप, अनफर्टाइल हो जाएगा, यानी कि उसमें फिर आप दोबारा फसल लगा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर मैंने उतना तो नहीं लिखा है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश में लिख दिया है कि कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड मेक द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एटसेट्रा। यानी कंटिन्यू लगाने से क्रॉप में है ना, क्रॉप अगर कंटिन्यू लगाते हैं हम लोग फील्ड में, तो उससे क्या हो जाएगा, सॉइल पुअर हो जाएगा, थोड़ा कमजोर हो जाएगा न्यूट्रिएंट के मामले में, जैसे कि नाइट्रोजन उससे कम हो जाएगा, फॉस्फोरस पोटेशियम ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट है जो प्लांट को चाहिए, तो ये सब उसमें कम हो जाएंगे। तो व्हेन अ फार्मर कंटिन्यू टू ग्रो क्रॉप्स वन आफ्टर द अदर, ठीक है, जब कोई फार्मर एक के बाद एक तुरंत क्रॉप लगाता है, देन ऑल न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन द सॉइल रिड्यूस, तो जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल में वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बस इतना से लिखो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अगर ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें थोड़ा सा आप अपने से भी अपने लैंग्वेज में और बढ़ा करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आइए जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, हम उसे भी कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन ही थोड़ा बड़ा था, इसका मुझे आंसर भी इसीलिए बड़ा लिखना पड़ा। देखो क्या है, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम, वीड्स क्या होता है, इसका हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो वीड्स के बारे में पहले ही बताया कि जो एक्स्ट्रा घास फूस निकल जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। जो वहाँ आपने आंसर याद किया वही यहाँ पर आपको लिखना है कि अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप आर नोन एज वीड, यानी जिनको हम लोग नहीं चाहते वैसे प्लांट जब निकल जाते हैं घास फूस हमारे क्रॉप के साथ, तो उसको हम लोग वीड कहते हैं। तो वीड्स फिर क्या कहते हैं, तो वीड्स कंपीट विद द क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट लाइट एंड स्पेस। वहाँ पर जो लिखा है वही चीज़ है सेम एकदम, कि जो वीड होते हैं वो न्यूट्रिएंट वगैरह लाइट वगैरह के लिए कंपीट करते हैं प्लांट के साथ। एज अ रिजल्ट क्रॉप प्लांट गेट लेसर न्यूट्रिएंट लाइट एंड स्पेस फॉर देयर डेवलपमेंट, यानी कि जो क्रॉप के प्लांट रहते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए उनको पूरे तरीके से अच्छे से नहीं मिल पाता, कम हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हटाने के लिए यहाँ पर भी बोला है कि हाउ कैन कंट्रोल है ना, वी कंट्रोल देम, तो हम लोग उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो देखो दो तरीका मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सम मेथड्स फॉर कंट्रोल, लेकिन अगर आप चाहो, अगर मान लो ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन नहीं आया, 3 से 4 नंबर में आया, तो एक तो इसका आंसर लिख देना और पहला वाला मेथड लिख देना, दूसरा वाला मत लिखना जो टिलिंग है। पहला मेथड क्या है, तो हमारा जो केमिकल वाला था ना वीडिसाइड्स, जिसमें हम लोग आप देखना फोटो बना हुआ होगा एक आदमी का आपके बुक में, कुछ क्या पेज नंबर नहीं याद आ रहा है मुझे, बस उसमें देखना वो कुछ छिड़क रहा है मुंह में रुमाल बांध करके, तो वही क्या कर रहा है, वो वीडिसाइड्स को छीट रहा है। तो पहला जो मेथड वही है कि वीड कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग वीडिसाइड्स, वीडिसाइड्स का यूज़ करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वीड में। इट इज़ ए केमिकल, ये केमिकल होता है विच इज स्प्रेड इन द फील्ड टू किल ऑल अवेलेबल वीड्स, ये क्या करता है, जितने भी वीड्स होते हैं सभी को किल कर देता है, लेकिन बहुत इसका फायदा ये है कि ये क्रॉप को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता, तो वो भी लिख दो आप कि वीडिसाइड आर नॉट हार्मफुल टू क्रॉप्स, ठीक है। ये पहला मेथड है, तो वैसे छोटा ही है, आप आसानी से याद कर सकते हो, शुरू से अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहोगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेथड क्या है कि टिलिंग, टिलिंग यानी कि भाई कोड करके, शुरू में हमारे चैप्टर में आया था ये टॉपिक, जब हम लोग प्रिपरेशन सॉइल पढ़ रहे थे ना उसी में ये टॉपिक आपको मिलेगा टिलिंग के बारे में, कि टिलिंग क्या होता है, बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग वीड्स, यानी कि सोइंग करने से पहले बीज वगैरह को लगाने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, खेत में पूरा घास उसका सफाई कर सकते हैं। टिलिंग अपरूट द वीड्स, टिलिंग क्या होता है, पूरा जड़ से उखाड़ देता है पूरे रूट वीड्स को। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इट इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड, यानी कि सबसे बेस्ट टाइम कब है रिमूव करने का, जब वो फ्लावर ना निकाले हो वीड्स, या फिर अपने में बीज वगैरह ना निकाले हो, यानी घास वगैरह अगर स्टार्टिंग में ही हुए हैं तो उसी टाइम आप उसको क्या करो, उखाड़ दो जमीन से, ठीक है, टिलिंग कर दो। उससे क्या होगा कि अगर उसमें दाना वगैरह नहीं हुआ है, उसमें अगर सीड्स नहीं आए, फ्लावर नहीं आए, तो दूसरा वीड वहाँ होगा ही नहीं, वो क्या होगा, सूख जाएगा, और सूख करके वो जमीन में मिल जाएगा और वो जमीन में फिर काम करेगा का खा देगा ऑटोमेटिकली वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो पूरा चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरा चैप्टर। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और बचा था ना, क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी आप देख ही लो। क्वेश्चन नंबर 10 में सिंपल सा क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ सुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जो सुगर कैन का क्रॉप अगर हम लोगों को लगाना है तो उसके लिए आप एक जो हमारे पास बॉक्स दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में ना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कर दिया हूँ आपके में, बॉक्स को आगे पीछे करके दिया हुआ है, तो आप कैसे उसको लगाओगे। तो देखो जो आपके बुक में प्रैक्टिस ऑफ क्या बोला जा रहा था वहाँ पर, क्या तो था टॉपिक, स्टार्टिंग में ही टॉपिक था, हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, जिसमें 6 से 7 पॉइंट दिए गए थे आपको, और उन्हीं पॉइंट्स का पूरा चैप्टर भर में क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। तो वही 5-6 पॉइंट से ही पूरे कोई भी खेत हो है ना, कोई भी चीज़ का वो क्रॉप क्यों ना हो, उसमें लगभग उसी तरीके से काम किया जाता है, उसी तरीके से फसल को लगाया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है सॉइल का, उसके बाद प्लफिंग किया जाता है फील्ड में, ठीक है, यानी कि वही खेत की जुताई वगैरह, यानी कि जो खेत को हम लोग मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, प्लफ करते हैं, उसी को कहते हैं प्लफिंग। प्लफिंग में ही आपको टिलिंग के बारे में मिलेगा। उसके बाद फिर सोइंग किया जाता है, यानी कि बीज लगाया जाता है। उसके बाद मैन्यूरिंग किया जाता है, मैन्यूरिंग यानी खाद वगैरह डालना, ठीक है, फर्टिलाइजर वगैरह डालना, इसको मैन्यूरिंग कहते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फिर उसमें इरिगेट किया जाता है उसको, यानी कि पानी डाला जाता है, इरिगेशन किया जाता है,
क्लियर है। उसे फिर हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि कटाई, फसल की कटाई को हार्वेस्ट करते हैं, और लास्ट में सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, लास्ट में शुगर फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहाँ पर वो शक्कर बन के आता है। फिर तो इस तरीके से जो वहाँ पर आपको टॉपिक्स दिए लाइन से ना, बस वही यहाँ पर दिया हुआ है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। आई होप आपको पूरे के पूरे आंसर अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, और अब जल्दी से आप नोट्स भी अपना कंप्लीट कर पाओगे, और याद भी जरूर करना है आंसर्स को, यानी कि केवल लिख लिया और छोड़ दिया। ठीक है, तो याद जरूर करना। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 का तो वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3 वगैरह, उनका फिर हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उन वीडियोज़ में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।